इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थर्ड प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अब तक दो प्रॉपर्टी बात हो चुकी थी, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। देखते हैं ये कैसे वर्क करती है। अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, देन अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी की। अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी की, देन इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। इसमें जो जितने की शिफ्टिंग हो रही है फ्रीक्वेंसी की, इतने की उसमें क्या हो जाएगी, एडिंग हो जाएगी, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे देखो माइनस का तो इधर जाके प्लस बन जाएगा, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें क्या होगा, ओमेगा नॉट भी ऐड हो जाएगी। अगर माइनस का तो प्लस होगा, प्लस का तो माइनस होगा, बिल्कुल टाइम शिफ्टिंग से अपोजिट वर्क है इसका। जे ओमेगा नॉट टी एक्स ऑफ टी, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। इस तरह से ही ये देखने को मिलती है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे, इस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एक्स टी बराबर ई की पावर माइनस टू जे टू टी डेल्टा टी माइनस थ्री का क्या करने का मुझे, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। तो मैं क्या करूँगा, पहले क्या करूँगा, इस वाले टर्म का फाइंड करूँगा डेल्टा टी माइनस थ्री का, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, हमें पता है डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है कितना होता है, वन होता है, ठीक है। अगर उसमें टाइम शिफ्टिंग जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, और उसमें चार का शिफ्टिंग कर दो, यानी टी नॉट की वैल्यू कितनी है इसमें, जो पिछली वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, टी नॉट की वैल्यू कितनी है इसमें, फोर, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, चार की शिफ्टिंग हो जाएगी ई की पावर माइनस जे जे, अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखी उसको जाकर देख लें, ई की पावर जे ओमेगा ओमेगा टी नॉट, टी नॉट की जगह कितना, चार, अगर माइनस होता तो माइनस आता, इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। तो ये एक्स टी है डेल्टा टी, और ये एक्स ऑफ ओमेगा वन, ठीक है। तो डेल्टा टी माइनस फोर तो मुझे पता चल गया। अब मुझे पता क्या करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, डेल्टा टी माइनस फोर फॉरियर ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस जे फोर ओमेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना, देखो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग यूज करना, तो इसको यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग को, ई की पावर माइनस जे टू टी डेल्टा टी माइनस फोर, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, कितने की शिफ्टिंग है, यहाँ पे देखो माइनस वाला फॉर्मूला है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नोट, ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या कर दूंगा मैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो उधर जाके प्लस हो जाता, जहां जहां पे ओमेगा आ रहा होगा वहां पे क्या कर दूंगा, ओमेगा प्लस टू, तो ई की पावर माइनस जे फोर ओमेगा प्लस टू, यही है इसकी क्या, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अगर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, जहां जहां पे ओमेगा उतने से शिफ्टिंग हो जाएगी, अगर प्लस का होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। देखो इसी तरह से बस प्रॉपर्टी का यूज करना, एक एक सिंपल सा एग्जांपल देता जा रहा हूँ, ताकि जब हम मेन क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इसको यूज करना आसान रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा मजा नहीं आता, फिर एक साथ वहाँ पे प्रॉपर्टी ध्यान रखनी पड़ती है बार बार। फिलहाल आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ये छोटा सा एग्जाम्पल था। इस वीडियो में इतना ही होगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ।